यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त हमारे पास 6 घंटे में बदमाशों और पुलिस की 3 बार मुठभेड़ हुई है। 25,000 के 3 इनामी बदमाश गिरफ्तार। 3 बदमाशों पर कई मुकदमे दर्ज हैं। हथियारों समेत 50 लाख की अवैध शराब भी बरामद की है पुलिस ने। ग्रेटर नोएडा पुलिस एक्शन में 6 घंटे में तीन बार बदमाशों से मुठभेड़। रविंद्र जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ। रविंद्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तीनों पर मुकदमे दर्ज हैं और 6 घंटे में 3 बार मुठभेड़ क्यों हुई, कैसे हुई? जी बताना चाहूंगा, जिस तरह से पुलिस का एक ऑपरेशन क्लीन जारी है, वहीं दादरी पुलिस ने जो है 2 इनामी बदमाशों के बीच जो है मुठभेड़ करी है। दोनों जो 2 बदमाश है वो 25,000 के इनामी है। एक जो पहली जो मुठभेड़ थी वो ये जो शराब तस्कर थे, शराब तस्करी की जो हरियाणा से जो है बिहार लेके जाई जा रही थी, उसी दौरान जो है मुठभेड़ हुई है और 50 लाख की जो शराब बरामद की है। वहीं दूसरा जो मुठभेड़ है वही 25,000 के एक और इनामी था, जो जिस पर तकरीबन लगभग 1 दर्जन मुकदमे दर्ज थे। लूट और हत्या में वाजिब था। वही इकोटेक पुलिस ने भी जो है मुठभेड़ की है, वो 25,000 का इनामी था। 6 घंटे में बड़ी 3 मुठभेड़ की है, जिसमें जो है ये पुलिस को जो है नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। लगातार जो है नोएडा पुलिस और नोएडा पुलिस का जो है ऑपरेशन क्लीन जारी था, उसी के दौरान ये जो है मुठभेड़ की गई है। लगातार मुठभेड़ होना एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह से मुठभेड़ के बाद भी जो है लूटपाट की घटनाएं भी बढ़ रही हैं, वो कम नहीं है। मुठभेड़ के बाद भी लगातार हादसे हो रहे हैं। जी रविंद्र, ये बात आपने महत्वपूर्ण कही कि इस तरह के एनकाउंटर्स के बाद भी लूटपाट की घटनाएं और अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं। शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। ग्रेटर नोएडा से इस वक्त हमारे पास 6 घंटे में बदमाशों और पुलिस की 3 बार मुठभेड़ हुई है। 25,000 के 3 इनामी बदमाश गिरफ्तार। 3 बदमाशों पर कई मुकदमे दर्ज हैं। हथियारों समेत 50 लाख की अवैध शराब भी बरामद की है पुलिस ने। ग्रेटर नोएडा पुलिस एक्शन में 6 घंटे में 3 बार बदमाशों से मुठभेड़। रविंद्र जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ। रविंद्र, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तीनों पर मुकदमे दर्ज हैं और 6 घंटे में 3 बार मुठभेड़ क्यों हुई, कैसे हुई? जी बताना चाहूंगा, जिस तरह से पुलिस का एक ऑपरेशन क्लीन जारी है, वहीं दादरी पुलिस ने जो है 2 इनामी बदमाशों के बीच जो है मुठभेड़ करी है। दोनों जो 2 बदमाश है वो 25,000 के इनामी है। एक जो पहली जो मुठभेड़ थी वो ये जो शराब तस्कर थे, शराब तस्करी की जो हरियाणा से जो है बिहार लेके जाई जा रही थी, उसी दौरान जो है मुठभेड़ हुई है और 50 लाख की जो शराब बरामद की है। वहीं दूसरा जो मुठभेड़ है वही 25,000 के एक और इनामी था, जो जिस पर तकरीबन लगभग 1 दर्जन मुकदमे दर्ज थे। लूट और हत्या में वाजिब था। वही इकोटेक पुलिस ने भी जो है मुठभेड़ की है, वो 25,000 का इनामी था। 6 घंटे में बड़ी 3 मुठभेड़ की है, जिसमें जो है ये पुलिस को जो है नोएडा पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। लगातार जो है नोएडा पुलिस और नोएडा पुलिस का जो है ऑपरेशन क्लीन जारी था, उसी के दौरान ये जो है मुठभेड़ की गई है। लगातार मुठभेड़ होना एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह से मुठभेड़ के बाद भी जो है लूटपाट की घटनाएं भी बढ़ रही हैं, वो कम नहीं है। मुठभेड़ के बाद भी लगातार हादसे हो रहे हैं। जी रविंद्र, ये बात आपने महत्वपूर्ण कही कि इस तरह के एनकाउंटर्स के बाद भी लूटपाट की घटनाएं और अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं। शुक्रिया आपका।